आज हम आपको बताएंगे कि कैसे काजल से भी कर सकते हैं आप वशीकरण। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वशीकरण का अर्थ क्या है। तो आपको बता दें कि इसका अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति को अपने मनोकूल बनाना, यानी ऐसा इंसान जिस पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे आपकी हर बात को मानना ही पड़ता है, फिर भले ही ऐसा करने से उसका नुकसान क्यों ना हो रहा हो। मगर ध्यान रहे, इस विधि का गलत प्रयोग ना करें, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। बता दें कि काजल वशीकरण को सम्मोहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आसान मतलब है और होता है, आपको बता दें कि किसी को अपने कंट्रोल में करना, अर्थात किसी के दिमाग पे अधिकार कर लेना। इस साधना में अक्सर लोग काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और इसलिए सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत काम ना करें। और काला जादू एक तोप की तरह है, जो आगे गोला फेंकता है तो पीछे भी धक्का देता है, इसलिए काले जादू को बहुत सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को बता दें कि इस साधना के दौरान नकारात्मक ना सोचें और ना ही ऐसे लोगों के साथ रहें जो नकारात्मक सोचते हैं। और अगर आप सही मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि ये एक गुप्त और चमत्कारी विधि होती है, और इसलिए लोगों को इसे ध्यान से करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने से वशीकरण की शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। काजल आकर्षण शक्ति और सम्मोहन शक्ति बढ़ाता है। ये जगत मोहन के लिए, और इसमें किसी एक व्यक्ति का वशीकरण नहीं होता है। इस काजल का 30 बार प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।